एवरीवन, मेरा नाम सरफराज है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं लेट्स एक्ट का स्टूडेंट हूँ, 6 मंथ का कोर्स यहाँ पे कर रहा हूँ और अभी मेरा मुंबई आए हुए 2 मंथ हुआ है। जी नहीं, पूरे होश हवास में हूँ, आई एम कम्प्लीटली इन माई सेंसेस। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ खोजी है, नाम शब्द, जिसके लिए मैंने अपना घर बार छोड़ा, इतनी तकलीफें उठाई, इतनी जिल्लतें उठाई, दिन रात मेहनत की, लेकिन वो शोहरत मुझे आज तक नहीं मिला। लेकिन आज मेरे पास एक आखिरी चांस है, दिस वन इज माई फाइनल चांस। मेरे आंखों के सामने एक मशहूर हिदायतकार खड़ा है, उसके सामने अपने इस भेजे को गोली से उड़ा के अपने छोटे से नाम को उसके बड़े से नाम के साथ हमेशा के लिए जोड़ दूंगा। कहानी फनकार की, एक मशहूर हिदायतकार के नजरों के सामने एक नौजवान अदाकार ने अपनी जान दे दी। उस नौजवान का नाम था पाठक। कल अखबार के सारे कोने कोने पर मेरा नाम पहुंच जाएगा, रयान अली पाठक। लोग कहेंगे अच्छा आदमी था, रयान अली पाठक। देख लेना सर, ये दुनिया रोएगी एक दिन मेरे लिए, मेरे एक एक वाक्य पे रोएगी, मेरे एक एक कहानी पे रोएगी। भले मेरा जिस्म आज मर जाएगा, लेकिन मेरा नाम हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। मैं अपने लाइफ का एक छोटा सा जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे मैं अपने गांव से लेट्स एक्ट यहाँ पे मैं पहुँचा। जब मैं एक्टिंग कोर्सेज ज्वाइन करने वाला था तो बहुत सारे यहाँ मुंबई में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में मैंने कॉल की, जिसमें मैंने फीस स्ट्रक्चर्स पूछा तो 2 मंथ का कोर्स का 3 लाख 4 लाख वो बता रहे थे। तो इन कंपेयर टू जब मैंने लेट्स एक्ट में कॉल किया तो मुझे 6 मंथ का कोर्स 1,25,000 बताया गया था। तो मैं कंपेयर करने के बाद मुझे लगा कि ये एक पर्टिकुलर पूरा पैकेज मुझे प्रोवाइड किया जा रहा था लेट्स एक्ट में, जिसमें हमारा कैमरा एक्टिंग, थिएटर एक्टिंग, पोर्टफोलियो, जिसमें हमारा वेब सीरीज भी हमें प्रोवाइड की जाती, शॉर्ट मूवीज और भी बहुत सारे थे। तो मुझे ये पैकेज अच्छा लगा और मैं पूरा फीस एक साथ पे कर रहा था तो मुझे 25,000 का डिस्काउंट भी मिला, मतलब कि 1 लाख में मैं यहाँ पे लेट्स एक्ट में 6 मंथ का कोर्स ज्वाइन किया हूँ। आज से 8 मंथ पहले मैं एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव बैंक में जॉब करता था, SBI क्रेडिट कार्ड पे, और मुझे बचपन से ही एक्टर बनने का शौक था। तो बहुत सारे चैनल मैं सब्सक्राइब किया हुआ था एक्टिंग कोर्सेज, ऑनलाइन एक्टिंग कोर्सेज का, जिसमें सर का भी एक एक्टिंग कोर्सेज का उनका भी एक चैनल है तो उनको भी सब्सक्राइब किया हुआ था। बहुत टाइम से फॉलो करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपना जो मेरा ड्रीम है, जो मैं बनना चाहता हूँ, उसे मैं आगे अपने लाइफ में आगे कंटिन्यू करूँ। तो मैंने अपना घर पे जाकर अपने फैमिली से डिस्कस की, बट उन्होंने कि फैमिली एक्टिंग फील्ड से रिलेटेड एज अ मिडिल क्लास जो होते हैं वो इतना इस चीज़ पे उतना एग्री नहीं करते, वो मीन्स वो श्योर नहीं है कि एक्टिंग पे ही आपको चांस मिलेगी कि नहीं फ्यूचर पे। उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हो, क्या मीन्स कुछ भी आप फर्दर अपने पढ़ाई करो। तो मैं बहुत उनको समझाया कि नहीं, एक्टिंग कर मुझे एक्टिंग ही करनी है। तो उसके बाद बहुत समझाने के बाद वो एग्री हुए। उसके बाद मैं सर के मीन्स उनके यहाँ कॉल किया, मीन्स जितने भी मीन्स फीस स्ट्रक्चर्स क्या क्या सिखलाया जाता है वहाँ पे मैं ये सब इंक्वायरी की। करने के बाद 6 मंथ का कोर्स के लिए जो बजट था, मैं उसके लिए थोड़ा अपने आप को मीन्स जॉब करके थोड़ा और अर्न करके अपना वो जो कोर्स का फीस है वो मैंने जमा की। करने के बाद फिर मैं मुंबई पहुँचा। मुंबई पहुँचने के बाद कि पहली बार मुंबई आने के बाद मीन्स इतना बड़ा सिटी है, बहुत टेंशन्स रहते हैं कि क्या मीन्स लाइफ मीन्स यहाँ पे कहाँ रहना है, क्या क्या नहीं करना है। खैर मेरे यहाँ पे फैमिली थी, मेरे रिलेटिव थी, तो मुझे ये चीज़ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा कि कहाँ रहना है। पर फिर भी एक मुंबई एक न्यू सिटी है और बिल्कुल अनजान है, तो इसके लिए मुझे थोड़ा नर्वस मैं था। तो फर्स्ट डे मैं जब यहाँ पे आया तो स्वरूपा मैम से यहाँ पे मिला आकर, एक्चुअली मैं उन्हें मार्क बोलता हूँ बिकॉज कि उनका बिहेवियर एज अ मीन्स वो एक अपने चाइल्ड के जैसा ही बिहेव करते हैं। उनका बिहेवियर, मैम का बिहेवियर एकदम एज अ मीन्स अपना जैसा कि लाइक
कि शी इज आवर मदर, कि वो एक मैम नहीं है, वो एक माँ है. सो मैं उसे उन्हें माँ ही बुलाता हूँ. और उसके बाद फिर जैसे कि हमारा यहाँ पे 4 आवर्स का कोर्स होता है, तो उसमें 1 आवर डांस क्लासेस होती है और मैं डांस में बिल्कुल कमज़ोर हूँ. सो डांस गांव में भी मैं जब भी डांस का बात आता था फ्रेंड्स लोग करते थे तो मैं उससे पीछे भागता था. तो खैर यहाँ पे डांस में कर रहा हूँ, बहुत अपने आप को बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा करूँ, क्योंकि डांस से ना बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है, तो ये करना बहुत ज़रूरी है. और एक्टिंग से रिलेटेड डांस भी बहुत ज़रूरी है. तो उसके बाद फिर कैमरा एक्टिंग होता है, जिसमें हमें ऑडिशंस के स्क्रिप्ट्स प्रोवाइड की जाती हैं, हम ऑडिशंस फेस करते हैं कैमरा को. जब मैं गांव में था तो मोबाइल पे वीडियो शूट करता था अपने ऑडिशंस के, तो बहुत इजीली मुझे लगता था कि हाँ मैं एक एक्टर हूँ. जब मैं यहाँ पहुँचा तो उसके बाद जब मैं फर्स्ट डे कैमरा को फेस किया तो मेरे पैर शेक कर रहे थे. तो मुझे समझ में आया कि जो दिखता है वो होता नहीं है. तो उसके बाद अभी 2 मंथ में बहुत इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर आया है, मुझे ऐसा लगता है. मैं अभी फेस करने लगा हूँ कैमरा को और स्क्रिप्ट्स भी भूल जाता था पहले, बट अभी बहुत सुधार आया है इस चीज़ पे. उसके बाद थिएटर एक्ट भी की जाती है यहाँ पे, 1 घंटा थिएटर एक्ट पे ध्यान मतलब टाइम दिया जाता है, जिसमें सर हमें एक टास्क देते हैं, एक सिचुएशन देते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप एक पुलिस का कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, आपके सामने एक चोर है, उसको आप किस तरह बिहेव करोगे, क्या वर्ड्स बोलोगे, तो ये सब इम्प्रोवाइजेशंस भी हम करते हैं उन 1 घंटे के दौरान. उसके बाद फिर डिक्शंस क्लासेस भी होती है. डिक्शंस क्लासेस में लाइक यू नो कि होता क्या है ना कि हम जो गांव में जो लैंग्वेज बोलते हैं हिंदी और जो एक्चुअल हिंदी होता है उसमें बहुत फार डिफरेंसेस होता है. वहाँ के लैंग्वेज में जैसे कि फॉर एग्जांपल वहाँ मैं बोलता था शराब, और यहाँ आके मुझे पता चला कि वो शराब नहीं है, शराब है. तो बहुत सारे वर्ड्स पे जबरदस्ती, जबरदस्ती, तो ये सब बहुत सारे वर्ड्स है जिसको जो हम लोग गांव में गलत बोलते हैं. और फिर मुझे यहाँ आकर पता चला जब मैं हिंदी क्लासेस हमारे जो टीचर हैं आत्म प्रकाश सर, जब वहाँ उन्होंने जब ये बताया कि ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, तब मुझे पता चला कि एक्चुअल क्या मतलब हिंदी क्या करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस होनी ज़रूरी है. और मेरा ऐसा मानना है जब मैं 2 मंथ से यहाँ पे हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक्टिंग आपकी थोड़ी कम है और हिंदी आपकी बहुत अच्छी है तो आपके चांसेस थोड़े है इंडस्ट्री में जाने के, बट आप एक बहुत अच्छे एक्टर है और आपकी हिंदी बहुत मतलब आपके प्रोनाउंसिएशन सही नहीं निकल रहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है. सो हो सकता है मेरे अभी बहुत सारे प्रोनाउंसिएशंस आपको बहुत गलत निकलते होंगे, बिकॉज अभी 2 मंथ हुआ है, तो मैं अपने आप को बहुत इम्प्रूव कर रहा हूँ अपने हिंदी पे. और बहुत सारे मीन्स एक्टिंग से रिलेटेड, सिर्फ एक्टिंग मीन्स लाइक नॉर्मल सिर्फ आप एक्ट करना वो ही नहीं होता है. यहाँ पे आके मुझे पता चला कि टाइप्स ऑफ इमोशंस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हास्य रस क्या होता है, करुण रस, भयानक रस. सो बहुत सारे टाइप्स ऑफ रस होते हैं. हास्य रस मीन्स आपको हंसकर बोलना है, भयानक रस मीन्स आपको डर कर बोलना है. सो बहुत सारी प्रैक्टिसेस यहाँ पे अभी फिलहाल तो चल रही है, और अभी तो 4 मंथ और बचे हुए हैं, तो बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर आया है. और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो स्टेप ली थी आगे बढ़ने की एज एन एक्टर बनने का, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सही ही किया था, बट पता नहीं फ्यूचर में. बिकॉज सर विनय सर बोलते हैं कि कम से कम एक एक्टर को 5 साल टाइम देना चाहिए, अगर वो टू मीन्स टू सक्सेस इन द इंडस्ट्री उसको 5 साल अपने एक्टिंग फील्ड में देना चाहिए. और सही भी है वो, क्योंकि आप ही सोचिए कि अगर आप MBA कर रहे हैं या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो फर्स्ट आपको 12 के बाद ग्रेजुएशन 3 ईयर, फिर MBA 2, मीन्स आपको 5 ईयर्स तो जाते ही हैं. तो 5 ईयर्स मुझे भी ऐसा लगता है कि 5 ईयर्स मुझे भी अपने इस फील्ड में देना चाहिए, मैं दूंगा, उसके बाद फिर देखता हूँ मैं बस. बट अभी मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ और आगे कंटिन्यू चल रहा है, और इंशाल्लाह एक ना एक दिन ज़रूर तरक्की करूँगा.